गाइस मैंने क्या मंगाया है, ये है हैवल्स का स्ट्रेटनर। तो ये स्ट्रेटनर मैंने अमेजोन से मंगाया है और मैंने लगभग 2 या 3 दिन पहले ही ऑर्डर करा था और इतनी फास्टेस्ट डिलीवरी हुई है कि मुझे आज ही ये जस्ट रिसीव हुई है। तो मैं इसे यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से इस स्ट्रेटनर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन पे दिखाऊंगी कि कैसा ये रिज़ल्ट देता है स्ट्रेटनर। तो गाइस इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि ये स्ट्रेटनर कैसा है और ये रिज़ल्ट कैसा देता है। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग भी इसे बाय करना। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो मैंने लेने से पहले ही इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लिए थे, अमेज़ॉन पे सारा कुछ चेक कर लिया था मैंने, तो मुझे पसंद आया तभी मैंने इसे ऑर्डर किया था। तो अब मैं इसे खुद पर्सनली यूज़ करूँगी और उसके बाद आप लोगों के साथ ये इसी वीडियो में उसका एप्लीकेशन भी दिखाऊँगी कि कैसा है ये और कैसा रिज़ल्ट देता है। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो प्लीज़ यार स्किप मत करना। तो आज मैं अपना ये स्ट्रेटनर यूज़ करके अपने हस्बैंड के बाल को बिल्कुल स्ट्रेट करूँगी। तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेटनिंग वगैरह करने से पहले कितना ज़्यादा फ्रीजी है एंड कितना कर्ल्स है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे बालों को शैम्पू कर लेते हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड का के बालों को परमानेंटली स्ट्रेट करने की प्रोसेस करने वाली हूँ, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। और मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारा स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ गाइस अच्छे से देखना, तो आप लोगों को भी ये हेल्प मिल सकता है। अगर आप चाहे तो आराम से घर पे परमानेंटली स्ट्रेट कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा मुश्किल तो है, काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि हमें ये पूरा फुल प्रोसेस कंप्लीट करने में अच्छे से मतलब लगभग 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि मैं उतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। तो बट स्टिल फिर भी आप आराम से कर सकते हो घर पे, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, बस वो काफ़ी होता है। तो गाइज अब शैम्पू के बाद ये आपको अच्छे से ड्रायर की हेल्प से उसे सुखाना अपने बालों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा भी वो अगर गीला रहता है तो आप वो क्रीम्स अब जो नेक्स्ट अप्लाई करना है वो आप नहीं कर पाओगे सही से, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ड्रायर की हेल्प से ये बाल को अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये देखिए मैंने क्या मंगाया है, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है ये। ये मैंने एक्चुअली अमेजोन से मंगाया है, बहुत ही मेहनत वाली पैकिंग होती है, इसको खोलने में बहुत मुश्किल होता है यार। ये देखो ये है लॉरियल का एक्सटेंस, मतलब इससे हेयर परमानेंटली स्ट्रेटनिंग हो जाती है। एक है स्मूथनिंग क्रीम और एक है न्यूट्रलाइजर। तो ये दोनों को यूज़ करके हम अपने घर पे ही आराम से अपने हेयर को परमानेंटली स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा स्मूथनिंग क्रीम जो कि लॉरियल एक्सटेंसो का है। तो अब हमारा सेकेंड स्टेप है ये स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करना। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होगा कि बालों को अच्छे मतलब सेक्शन वाइज सेक्शन इसी तरीके से लेयर वाइज ले लेकर स्कैल्प को अवॉइड करना है, मतलब स्कैल्प में आपको क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो इस तरीके से आपको फटाफट ये लगाना पड़ेगा क्रीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम अगर आप इसे लेंगे तो आपको इसका इस क्रीम का जो रिज़ल्ट है वो गलत आ सकता है, मतलब हेयर आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिख सकती है। तो इसीलिए आपको जल्दी जल्दी ये क्रीम्स लगाने हैं और ध्यान रहे कि स्कैल्प पे बिल्कुल भी ना लगे। और तो ये
स्मूथनिंग क्रीम लगाने का मोटिव ये होता है क्योंकि हमारे बाल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वेवी रहते हैं, तो हमें उस पुराने बॉन्ड को, बाल के जो पुराने बॉन्ड है उसे तोड़ना हमारा मोटिव होता है। ये क्रीम उसी बॉन्ड्स को ये तोड़ती है, तो इसीलिए जब ये आप वॉश करोगे बालों को तो आपकी ज़्यादा मतलब पूरे बाल लगेंगे कि जैसे आपने ऑलरेडी स्ट्रेट कर लिया है। ये देखिए मैंने पूरे अच्छे तरीके से लगा दिया है क्रीम्स, चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बहुत अच्छे से लगा दिया है, बस अवॉइड करना है कि आपको स्कैल्प में ना लगे। मैं बार बार ये चीज़ आपको याद दिला दे रही हूँ क्योंकि स्कैल्प में लगने से आपको इरिटेशन हो सकती है। तो ये देखिए आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इसे वॉश कर दिया है बालों को। ये देखिए आपको देखकर पता चल रहा होगा कि बाल पहले से कितनी ज़्यादा स्ट्रेट अभी लग रही है। तो ये एक्चुअली बालों के बॉन्ड टूट चुके हैं वो स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद। तो अब नेक्स्ट इसे हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से ब्लोअर के हेल्प से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेटनिंग करना, बालों को स्ट्रेट अब हमें करना है, ये थर्ड स्टेप है हमारा। तो मैंने ये देखिए स्ट्रेटनर जो मंगाया था ये हैवल्स का HS4121 है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। इसकी प्राइस है 1399, मतलब लगभग 1400 रुपए आपको पड़ेगी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग है, मतलब लगभग 150 से 230 डिग्री तक के बीच का टेम्परेचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि इसकी पावर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है जब अब आपकी स्ट्रेटनर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो आपको ये एक्सीडेंट्स होने से बचाएगी। और तीसरा खासियत ये है कि इसकी वायर जो है देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा ही लंबा है, तो ये सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इसकी खासियत ये है कि इसकी जो आगे में प्लेट्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, जिससे कि आपका अगर बाल ज़्यादा आपके घने हैं तो आप इकट्ठे ज़्यादा बाल लेकर के स्ट्रेट कर सकते हैं, तो आपको टाइम कंजम्पशन आपकी कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये इसकी जो प्लेट है वो सिरामिक कोटेड है, तो इससे आपके बाल जब स्ट्रेट होंगे तो काफ़ी ज़्यादा शाइनी इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट इसकी खासियत ये है कि इसके जो प्लेट्स हैं वो उसमें लॉकिंग सिस्टम है, तो और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही फास्ट हीट हो जाती है। तो अब हमारा फोर्थ स्टेप है न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना। तो ये मेरे हाथ में जो क्रीम है ये न्यूट्रलाइज़र है, ये भी लॉरियल एक्सटेंसो का ही है। तो अब मैं इसे अपने बालों पे अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से जैसे मैंने पहले लेयर वाइज बाल लेकर के पूरा अच्छे से बालों में लगाया था, तो ध्यान रहे इसमें भी कि ये वाली क्रीम भी आपके स्कैल्प में नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपको इरिटेशन हो सकती है या फिर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल होगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर लिया था बालों को, अब उसके बाद ये वाले क्रीम को इसी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, मिशन कंप्लीट है। तो अब इसे मैं थोड़ा ड्राई होने छोड़ दूँगी, तो लगभग आपको 30 मिनट्स तक इसे सूखने के लिए देना है और उसके बाद इसे वॉश ऑफ करना है। तो ये देखिए गाइस बाल को वॉश कर दिया है मैंने, तो ये देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है, बाल पहले कैसे दिख रही थी स्ट्रेटनिंग वगैरह करने से पहले, और अब देखिए बाल कितने ज़्यादा स्मूथ भी लग रहे हैं, सिल्की लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं। ये देखिए लेयर वाइज एकदम खिले खिले से बाल लग रहे हैं, जैसे बिरयानी के चावल हम लोग बनाते हैं ना खिले खिले से, वैसे बाल अब खिले खिले से लग रहे हैं, तो छूने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और गाइज़ ये देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है। तो आप भी इसी तरीके से इजीली अपने घर बैठे ही इस लॉकडाउन में अपने बालों को परमानेंटली स्ट्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।